मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते थे बीएसपी संग गठबंधन। क्या महागठबंधन में कंफर्म नहीं है मुलायम सिंह की टिकट? मिशन 2019 चुनाव को लेकर यूपी में एसपी और बीएसपी के महागठबंधन के ऐलान के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। गठबंधन को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि वो 2019 में यूपी से ही किसी को पीएम बनता देखना चाहेंगे। माना जा रहा है कि उनका इशारा मायावती की ओर था, लेकिन एसपी प्रमुख के इस बयान पर विरोधियों को हमला करने का एक मौका दे दिया है। दरअसल लखनऊ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी प्रमुख से पूछा कि क्या उन्होंने पीएम पद के लिए मायावती को मुलायम सिंह यादव से अधिक तरजीह देकर चुना है। इसके अलावा सीएम ने ये भी कहा कि इस अलायंस में मुलायम सिंह यादव को टिकट मिलना भी तय नहीं है। हालांकि ये जरूरी है कि मुलायम सिंह के भाई उन्हें अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। योगी ने ये दावा भी किया कि शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह को अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से टिकट देने की पेशकश की है। वहीं अखिलेश से सवाल करते हुए योगी ने कहा कि इस चुनाव में उन्होंने मुलायम सिंह और मायावती के बीच किसे पीएम बनने का फैसला किया है। योगी ने कहा कि बीते चुनाव में अखिलेश मुलायम सिंह को पीएम बनाना चाहते थे, ऐसे में उन्हें साफ करना होगा कि वो इस चुनाव में किसे पीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं। बकौल योगी, मुलायम सिंह बीएसपी से किसी तरह के गठबंधन के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी मायावती से हाथ मिलाया। योगी ने कहा कि एसपी बीएसपी के गठबंधन को जनता नकार देगी और चुनाव में दोनों दलों को इसका जवाब भी मिल जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ के दावों में कितना दम है ये तो वही जाने, लेकिन जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उससे इतना तो साफ है कि यूपी में दिलचस्प मुकाबला होना तय है। इंडिया न्यूज़ 5 की रिपोर्ट।